हरे कृष्ण दोस्तों। दोस्तों मैं उदित गुप्ता और मेरी वाइफ अनुमेहा। दोस्तों आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है। बहुत ही लोगों में एंग्जाइटी है आज कुछ दिनों से कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है। तो दोस्तों हम एक रोल प्ले के थ्रू इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा कि दो देवता जो धरती का भ्रमण करके आए हैं, उनमें से एक देवता वो अपना विचार व्यक्त करेंगे दूसरे देवता से कि वो धरती पर आए और उन्होंने देखा कि गोलोक एक्सप्रेस जैसा कुछ हो रहा है, तो वो अपना वर्णन देंगे। तो आइए दोस्तों, लेट्स सी कि क्या वर्णन करता है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं प्रभु? प्रभु, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति हैं, लोग हैं धरती पे, उनकी सोच विचार में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। वो अपने परमात्मा से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं और उनका सिमरन करना भूल जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ उनको दिया है। तो ये सब सोच सोच के मेरा जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत कुंठित है। सही कहा आपने, लेकिन आप भूल गए कि ये कलयुग है। जी, और कलयुग में तो अंधकार ही होता है, लेकिन फिर भी इस अंधकार में मुझे रोशनी की एक छोटी सी किरण नजर आई है प्रभु। कैसी किरण प्रभु? गोलोक एक्सप्रेस। गोलोक एक्सप्रेस? जी हाँ, कुछ दिवस से मैं धरती का भ्रमण कर रही थी, तो भ्रमण करते करते एक बड़ा ही विचित्र सत्संग मुझे नजर आया जिसका नाम गोलोक एक्सप्रेस है। अच्छा, तो प्रभु क्या करते हैं गोलोक एक्सप्रेस में सब लोग? गोलोक एक्सप्रेस एक सोच है जो कि भागवत गीता के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन में और दूसरे व्यक्तियों के जीवन में खुशी और शांति लाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो व्यक्ति हैं वो सब एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए प्रिंसिपल्स को, विचारों को अपने जीवन में लाते हैं और सब चलने की एक कोशिश करते हैं। ये तो बहुत सुंदर विचार है प्रभु। बिल्कुल प्रभु, ये सब लोग एकत्रित होकर ये सब करते हैं क्या? नहीं प्रभु, यही तो इसकी एक विशेष बात है। ये लोग विश्व के अलग अलग कोनों में बैठकर, अपने घरों में बैठकर भागवत गीता का आचरण करते हैं। घर में बैठ के गीता का आचरण और बिना एकत्रित हुए? जी हाँ। ये कैसे पॉसिबल है प्रभु? ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्काइप, व्हाट्सएप, अपने मोबाइल फोन्स, अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल करके, इन यंत्रों का इस्तेमाल करके ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और प्रभु का सिमरन बहुत ही आनंदमय तरीके से करते हैं। वाह प्रभु, मेरी समझ में टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। के साथ साथ प्रभु का सिमरन भी हो रहा है और एक आपको मन की शांति मिल रही है। जी हाँ, फिर ये सब भी तो प्रभु ने ही दिया है हमें। बिल्कुल प्रभु। प्रभु और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में और बताइए ना, ये मुझको काफी बहुत ही रुचिवर्धक लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही रुचिवर्धक है ये गोलोक एक्सप्रेस। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत जो मुझे दिखी है वो ये है कि ये सभी की सुविधाओं के अनुसार चलता है। ये विशेष रूप से निर्मित किया गया है, हर किसी की सुविधा के अनुसार, उसके समय के अनुसार, उसके अनुकूल ही ये लोग एक दूसरे को भगवद गीता पढ़ाते हैं और अलग अलग तरीकों से प्रभु का सिमरन करना सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर विचार। जानते हैं एक खासियत इसकी? बताएं प्रभु। ये सब परिवार को संग लेकर चलते हैं। परिवार को संग लेकर? जी हाँ। आज के जमाने में तो दो व्यक्ति साथ चल के राजी नहीं है प्रभु, तो फिर पूरा परिवार एक साथ चलता है, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। ये तो बहुत बड़ी विशेषता है इस गोलोक एक्सप्रेस की। अच्छा। जी हाँ, आपको याद है प्रभु हमारे युग में क्या होता था? अगर हमें प्रभु का सम्मान करना होता था, भगवान श्री हरि को याद करना होता था, तो संन्यास लेना पड़ता था, अपना घर बार छोड़ना पड़ता था, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता था और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग के सिर्फ प्रभु को तभी हम पा सकते थे ध्यान में लगा के। लेकिन
आज का समय बहुत ही विचित्र है। ये जो सब प्राणी हैं गोलोक एक्सप्रेस में, ये अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, अपने परिवार को भी संग लेकर चलते हैं और साथ ही साथ अपने सारे कर्मों को करते हुए प्रभु को भी याद करते हैं, प्रभु का दिन रात सुमरण करते हैं। ये तो अत्यंत ही सुंदर विचार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार है। ये जानते हैं ये कैसे करते हैं? कैसे करते हैं प्रभु, इसे बताइए। जाने इन्होंने बहुत ही एक विचित्र ABCD मॉडल की इजाद की है। ABCD मॉडल? जी हाँ, ये वही है जो बालक पढ़ते हैं, ABCD। जी हाँ, ABCD तो वही है जो छोटे छोटे नन्हे बालक पढ़ते हैं, परंतु इसके जो विचार हैं बहुत ही उच्च हैं। इसे प्रकाश डालें प्रभु। बिल्कुल, ABCD का मतलब है A यानी अंदरूनी कुरुक्षेत्र, B यानी बीवी बच्चे भाई बहन पारिवारिक जीवन हमारा, C यानी कारोबार जो कि हमारी जीवन शैली को आगे ले जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है धरती पर, और D यानी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी यानी कि फालतू समय में को नष्ट करने वाली सामाजिक गतिविधियां जिसमें कि हम बहुत अपने समय को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल प्रभु। तो इसमें ये जो मॉडल है ये कहता है कि जो समय हम नष्ट करते हैं फालतू के कामों में, अगर हम उसे प्रभु के प्रेम में प्रभु की भक्ति में लगा दें तो हमारा जो जीवन है वो सुधर जाएगा। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम अपना जो भी बिना मतलब की गतिविधियों में जो अपना समय लगाते हैं, अगर वो समय हम अपने प्रभु के सिमरन में लगाएं, तो मेरी समझ में हमारा जो अंदरूनी कुरुक्षेत्र है और हमारे जो परिवारजन है, मेरी समझ में उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी के मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या आप जानते हैं, अगर हमारा अंदरूनी कुरुक्षेत्र सुधर जाए, अगर हमारा मन हमारी बात सुनने लगे और अगर हमारा पारिवारिक जीवन सुधर जाए तो कारोबार तो खुद को खुद बढ़िया हो जाएगा ना। बिल्कुल प्रभु, सही कहा ना हमने। बिल्कुल प्रभु। प्रभु इसमें मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि किस उम्र के लोग इसमें जुड़े हैं? ये एक और खास बात है इसकी, इसमें हर उम्र के लोग जुड़े हैं। छोटा सा बालक 1 वर्ष का भी है इसमें और बहुत ही वृद्ध व्यक्ति भी है इसमें, जवान भी है इसमें और बूढ़ा भी है, स्त्री भी है इसमें और पुरुष भी है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें किस योग्यता के लोग आ सकते हैं, इसकी क्या योग्यता के मापदंड है जिसके कारण लोग इसके अंदर आ सकते हैं प्रभु? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्रभु। इसमें सिर्फ एक ही तरह के व्यक्ति आ सकते हैं जो कि हमारे भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस गोलोक एक्सप्रेस के संघ का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर विचार। प्रभु आपने इतनी सारी बातें बताई गोलोक एक्सप्रेस के बारे में तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ इसके चालक कौन है, इसके संचालक कौन है, कौन चलाते हैं इसको? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रुचि भरा आपने सवाल पूछा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये जो है एक अद्भुत बात है कि इसमें संघ में हर व्यक्ति इसका चालक है। हर व्यक्ति इसका चालक है, ये कैसे? जी हाँ, यही तो खासियत है। इस संघ के लोगों का मानना है कि नो वन इज सुप्रीम, ओनली गॉड इज सुप्रीम। वे मानते हैं कि सिर्फ भगवान श्री हरि ही सुप्रीम हैं, इसलिए इसमें जो लोग भी हैं, इसमें गुरु भी वही हैं, शिष्य भी वही हैं, दोस्त भी वही हैं, मित्र भी वही हैं। इसमें ये जो सब व्यक्ति हैं अपने अनुभव को एक दूसरे से बांटते हैं और अपने अनुभवों को बांट के दूसरे लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी दिन ब दिन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उनके मन को शांत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें दिन प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ाते हुए और भगवान के सिमरन को करना सिखाते हैं। बहुत सुंदर प्रभु, मेरी समझ में अगर सब व्यक्ति इसी सोच पे चलें तो जो ये मेरे दिल में विचार आया था या जो मेरा दिल कुंठित था जो बात सोच के कि सब व्यक्ति जो हैं मेरे समझ में वो एक गोलोक धाम को पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु। और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे रोशनी की जरा सी किरण नजर आई है, पर आप तो जानते हैं कि जरा सी भी अगर अंधकार में रोशनी हो तो वो बहुत बड़े उजाले का काम करती है। संघ अभी तो बहुत छोटा है, बहुत कम मानव है इसमें, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है साथ के जो व्यक्ति हैं, हमारे संघ के जो व्यक्ति हैं
और जो हमारे आसपास का माहौल है वो बहुत ही खुशहाल हो जा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, अगर सब व्यक्ति इसके साथ जुड़ के चलेंगे और मेरी समझ में जितने भी लोग इसको और इसके साथ जुड़ते जाएंगे तो मेरे ख्याल से विश्व का कल्याण उसमें होना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रभु इसी बात पे हम दोनों हाथ जोड़ के प्रभु का सिमरन करेंगे और प्रभु का नाम ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुमको लोग इसके जैसे बुलाते नहीं। तुमको लोग इसके जैसे बुलाते नहीं। हरी हरी बोल।